कल हमने मॉडल शुरू किए हैं, जिसमें पहला मॉडल देखा था कैन, CAN, कैन। कैन क्या बताता है? नियम ने लिखा था हमने प्रेजेंट की एबिलिटी, कैपेसिटी, वर्तमान की योग्यता, क्षमता, कोई इनफॉर्मल परमिशन है, अनौपचारिक आज्ञा, इनफॉर्मल परमिशन है, कोई भी सामान्य जनरल पॉसिबिलिटी है, तो उसके साथ अपने को किसका प्रयोग करना है? कैन। ये वर्तमान की योग्यता क्षमता होनी चाहिए, भूतकाल की नहीं होनी चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना। वाक्य देखें, सी लिफ्ट 100 kg वेट, वह उठा सकती है, अपने को पढ़ के देखना पड़ेगा, 100 kg वेट मतलब वजन, एट ए टाइम, एक समय में वह 100 kg वजन उठा सकती है, इसका मतलब ये उसकी कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है, ये उसकी क्या है, क्षमता है, ये उसकी क्षमता है कि वो क्या कर सकती है, 100 kg वजन उठा सकती है। ये वाक्य पढ़ने से आएगा, अलग अलग तरह के वाक्य चेंज कर देंगे, कुछ संख्या चेंज कर देंगे, आपको पढ़ के पहचानना पड़ेगा ये कैपेसिटी कैपेबिलिटी में आता है या नहीं आता। तो सी कैन लिफ्ट 100 kg वेट एट ए टाइम, तो एक समय में 100 kg वजन क्या कर सकती है, उठा सकती है। ही रिपेयर दिस वॉच, वह इस घड़ी को ठीक कर सकता है, इसका मतलब उसकी एबिलिटी है, उसको घड़ी को ठीक करने की एबिलिटी हो गई। अब छोटी क्लासों में 9th तक तो आपको पीछे लिख के देते हैं, 10th में आपको लिख के नहीं देते, वाक्य पढ़ने से पता लगेगा, पढ़ के देखना पड़ेगा कि ये क्षमता में आ रहा है, एबिलिटी है या कुछ और है। तो वह इस घड़ी को ठीक कर सकता है, इसका मतलब वह उसकी एबिलिटी है तभी ठीक कर सकता है, तब इसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। इसलिए हमने कहा प्रेजेंट की यानी वर्तमान योग्यता व क्षमता के साथ, याद रखें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही, वर्तमान की योग्यता और क्षमता के साथ अपने को कैन का प्रयोग करना है। अब एक प्रश्न वाचक दे दिया, आई यूज योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूँ? डियर फ्रेंड, यानी किससे अनुमति ले रहे हैं, मित्र से, क्या मांग रहे हैं, अनुमति, क्या मैं तुम्हारा पेन यूज ले सकता हूँ, अनुमति हो गया परमिशन। परमिशन कई तरह की है, फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी है। अपने यहाँ कैन के अंदर कौन सी परमिशन है, इनफॉर्मल परमिशन है, यानी अनौपचारिक, जिसे हम कहते हैं अनौपचारिक आज्ञा। अनौपचारिक आज्ञा आपको होगी, इनफॉर्मल परमिशन कौन सी होती है, ऐसी अनुमति जिसको लेने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अनुमति क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, यानी अपने बराबर के साथ वालों से, छोटों से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अनुमति मांग रहे हैं। आई यूज योर पेन डियर फ्रेंड, यानी मित्र से अनुमति मांग रहे हैं, जहाँ लेनी आवश्यक नहीं है, फिर भी क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग कर देंगे, कैन का। कैन आई यूज योर पेन डियर फ्रेंड, क्या मैं तुम्हारा पेन उपयोग ले सकता हूँ। यही यहाँ पर अगर मान लो लिखा होता कि टीचर, फादर, ये चीज आती, अगर पिताजी से या अध्यापक से अनुमति मांग रहे हैं, तो ये हो जाती फॉर्मल परमिशन। कौन सी अनुमति हो जाती, औपचारिक आज्ञा हो जाती। तो फॉर्मल परमिशन अब इसके अंदर नहीं है, ध्यान रखना है, जब फॉर्मल परमिशन आएगी तब हम देखेंगे मे का प्रयोग करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैडम या सर, क्योंकि यहाँ अनुमति किससे मांग रहे हैं, मैडम से मांग रहे हैं, जो लेनी आवश्यक है, तब ये फॉर्मल परमिशन हो गई, औपचारिक अनुमति हो गई। अनौपचारिक में किसका प्रयोग करना है अपने को, कैन का, उसके लिए पीछे कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा, जैसे यू गाइड मी ब्रदर, भाई को कह रहा है मुझे गाइड करो, वहाँ पर भी हम किसका प्रयोग कर देंगे, कैन का। कैन यू गाइड मी ब्रदर, क्या तुम मुझे गाइड करोगे। तो अनौपचारिक इनफॉर्मल परमिशन के साथ भी किसका प्रयोग करना है, कैन का। वैसे जैसे प्रेजेंट की एबिलिटी और कैपेसिटी के साथ भी किसका प्रयोग करते हैं, कैन का। आगे आ रहा है एनीबडी मेक मिस्टेक, एनीबडी मतलब किसी से भी गलती हो सकती है,
यानी ये संभावना में जाता है। संभावना कई तरह की है, पॉसिबिलिटी कई तरह की है, फैक्चुअल भी है, रिमोट पॉसिबिलिटी भी है और जनरल पॉसिबिलिटी भी है। मुख्य ये तीन तरह की संभावनाएं आएगी। तो फैक्चुअल जो है जिसमें तथ्य है, तथ्य आधारित संभावना है जिसमें तथ्य लगा हुआ है, वो फैक्चुअल हो गई। रिमोट पॉसिबिलिटी वो संभावना हो गई जिसके होने की संभावना ना के बराबर है, कि वो साल भर पड़ा नहीं उसके पास होने की संभावना ना के बराबर है, वो रिमोट पॉसिबिलिटी हो जाएगी। वो साल भर 5 घंटे पड़ा अब पास होने की संभावना, उसमें तथ्य ज़्यादा है, संभावना ज़्यादा है, वह फैक्चुअल हो जाएगी, उसमें मे का प्रयोग करना है। लेकिन हम ये कहें जो पढ़ेगा वो पास होगा, ये एक सामान्य संभावना है, तो सबके साथ लागू होती है। सभी के साथ जो लागू होगी वो कैसी संभावना होगी? सामान्य संभावना होगी, जिसे हम बोलते हैं जनरल पॉसिबिलिटी। साधारण जो संभावना है किसी के साथ भी हो सकती है। अब हम ये कह रहे हैं गलती किसी से भी हो सकती है, कोई जरूरी गलती होशियार हो से ना हो, गलती किसी से भी हो सकती है, जिसे हम सामान्य संभावना कहते हैं। तो एनीबडी कैन मेक मिस्टेक। दूसरा इसी से जुड़ा है वी लर्न बाय मिस्टेक, हम गलतियों से सीखते हैं। एक सामान्य संभावना है कि हम गलती करते हैं, फिर गलतियों से क्या करते हैं, सीखते हैं। तो ये भी एक जनरल पॉसिबिलिटी है जिसे हम सामान्य संभावना कहते हैं। ही डू दिस वर्क इजीली, वो आसानी से इस काम को कर सकता है, ये उसकी योग्यता है कि इस काम को कैसे कर सकता है, आसानी से कर सकता है। तो ही कैन डू दिस वर्क इजीली, तो कैन का प्रयोग कर देंगे। रतन प्ले टेनिस वेरी वेल, रतन टेनिस बहुत अच्छी खेलता है, रतन टेनिस अच्छी खेलता है, इसका मतलब रतन की क्या है, ये कैपेबिलिटी है कि रतन अच्छी टेनिस खेलता है, तो कैन का प्रयोग कर देंगे। सोहन स्पीक 5 लैंग्वेज, सोहन 5 भाषाएं बोलता है, तो सोहन 5 भाषाएं बोलता है तो ये उसकी एबिलिटी हो गई, योग्यता होगी कि वो 5 भाषाओं को बोल सकता है। योग्यता संबंधी भी किसके अंदर आता है, कैन के अंदर आता है। तो सोहन कैन स्पीक 5 लैंग्वेज। ही स्विम इन द रिवर, वो नदी में तैरता है, तैर सकता है, इसका मतलब ये उसकी कैपेसिटी है कि वो नदी में क्या कर सकता है, तैर सकता है। तो ही कैन स्विम इन द रिवर। इस प्रकार अपने कैन जो मॉडल है उसके बारे में कल हमने नियम लिखे, आज इसको वाक्यों को देखा कि कैसे मॉडल कैन का प्रयोग अपने को किस प्रकार करना है और कैन लगाना है। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि मॉडल कैन का प्रयोग किस तरह करेंगे हम, आप विशेष बात यही ध्यान रखें, मॉडल कैन का प्रयोग कैसे, नियम लगाना है कैसे, प्रयोग करना है, आप उतार के इस नियम को याद करके फिर पढ़े कि वर्तमान की योग्यता कौन सी हो सकती है, क्षमता कौन सी हो सकती है, इसको पहचाने कि वो वर्तमान की योग्यता है या क्षमता है। कल अगला मॉडल देखेंगे, आज के लिए इतना ही।